चलिए, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है तमाम लोगों को? मुझे जल्दी से बता दें, क्लास स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को एक बार फिर से। और आज जो है वो हम लोग पढ़ेंगे एक्मा स्क्रिप्ट 6 से रिलेटेड चीज़ें, वो तमाम चीज़ें जो कि क्या कहते हैं, नई इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं एक्मा स्क्रिप्ट 6 की जानिब से। तो उन चीज़ों को आज हम देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेट वगैरह इस तरह की चीज़ें, लेकिन आज हम उसको और डिटेल में देखेंगे। और वो तमाम चीज़ें जो अब तक हम नहीं देख पाए, वो तमाम चीज़ें आज हम देख लेंगे। अच्छा, आज की क्लास में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे वो है उसको हम कहते हैं, आपने अक्सर नाम सुना होगा इसका, एरो फंक्शंस। ठीक है, ये है हमारे पास इस तरीके। अच्छा, एरो फंक्शंस क्या होते हैं? एरो फंक्शंस नॉर्मली हम अब तक हमने जितने भी फंक्शंस पढ़े थे उसमें क्या करते हैं, हम फंक्शन का कीवर्ड एक लिखते हैं और फिर राउंड ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एरो ब्रैकेट ने क्या किया है, एरो ब्रैकेट ने जो हमारा सिंटेक्स था, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मेरे पास ऐड का फंक्शन है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये कोई भी दो पैरामीटर्स ले लेगा, एक एक्स और वाई के, और यहाँ पे रिटर्न करवा देगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा, एरो ब्रैकेट क्या करता है, एरो ब्रैकेट जो है, एरो फंक्शन जो होते हैं हमारे पास, वो इसी कॉन्टेक्स्ट को, इसी चीज़ को हमारे पास और आसान कर देते हैं। यानी यही फंक्शन क्या कहते हैं, इसी तरह से हम इसको क्या कहते हैं, बजाय इसके कि हम पूरा फंक्शन का कीवर्ड, जो हमारा एक्मा स्क्रिप्ट 5 वाला तरीका था, अब भी वैलिड है। अगर आप चाहो तो ऐसे भी फंक्शंस बना सकते हो, लेकिन एक एडिशनल तरीका आपको दिया गया है एक्मा स्क्रिप्ट 6 के अंदर फंक्शंस बनाने का। वो क्या होता है, सिंपली आप कोई भी कॉन्स्टेंट बना लो। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वही ऐड का फंक्शन, अब मैं आपको एरो के अंदर लिख के दिखा रहा हूँ, तो उसमें होता है ऐड। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे कोई भी आपने फंक्शन लिखने जा रहे हो, आप इक्वल्स टू का साइन लगाओगे। ठीक है, ये आपका बन गया फंक्शन और फिर आपके पास एरो आ गया। ठीक है, ये जो एरो आता है इसी वजह से इसको एरो फंक्शंस कह रहे होते हैं। ठीक है, पहले राउंड ब्रैकेट और उसके बाद फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नेसेसरी नहीं है, किस केस में नेसेसरी है मैं बताऊँगा। ठीक है, तो वही चीज़ अगर आप यहाँ पर एक्स कॉमा वाई करके यहाँ पर लिख दें, तो ये यहाँ पर भी आप ये वाला काम करवा सकते हैं, रिटर्न एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इस तरीके से ऐड को चला लो। ठीक है, या बल्कि ऊपर हमने ऐड बनाया, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और ये एक्स में से वाई की वैल्यू को माइनस करके जो भी आंसर होगा वो रिटर्न करेगा। तो ये हमारे पास, ये जो चीज़ है, ये हमारे पास जो पुराने हमारे फंक्शन होते थे, कन्वेंशनल अप्रोच जो हमारी होती थी, ये वो वाले फंक्शंस हैं। ठीक है, इनको हम नॉर्मल फंक्शंस कह लो, आप जो भी चाहो तो कह लो। ठीक है, वैसे तो इनका कोई नाम नहीं है, और ये वाले जो है इसको हम कहते हैं एरो फंक्शंस।
फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, अब एरो फंक्शंस अगर आप अभी इसको देखो तो आपको लग रहा होगा कि यार ऑलमोस्ट तकरीबन सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, बीच में एक एरो डाल दिया है और उसको आप इक्वल्स टू करके बना रहे हो, फंक्शन का कीवर्ड गायब कर दिया, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो, लेकिन इसके अंदर, इसमें एरो फंक्शंस के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नॉर्मल फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम करती थी और वो एरो फंक्शन के अंदर बिल्कुल सही चलती है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्या कहते हैं, अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सर फिर हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको कहूँगा कि अब क्योंकि आपने एरो फंक्शंस को पढ़ लिया है तो अब से आप एरो फंक्शंस को यूज़ करोगे, ठीक है। ये भी यूज़ होते हैं, इसलिए इसको पढ़ाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको शुरू से पढ़ाया और अब तक आपकी जितनी भी प्रैक्टिस थी वो उसके ऊपर करवा दी। अब आप अपने आप को स्विच करो एरो फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं, एरो फंक्शन का फ़ायदा कहाँ पे आता है? एरो फंक्शन का फ़ायदा आता है कि एरो फंक्शन जो है ना, आपकी किसी भी स्टेटमेंट को बहुत छोटा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो, जैसे मैंने सबट्रैक्ट बनाया, इसी तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई भी बना दूँ, कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने लगा दिया एरो, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इस पूरे इसको स्किप भी कर सकते हो, अगर आपके पास सिंगल लाइन कोई काम हो रहा है यहाँ पे, तो आपके पास ये जो कर्ली ब्रैकेट होता है ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल और यहाँ पे आप सीधा सीधा ये जो आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारा रिटर्न का कीवर्ड, यानी जो भी काम था, अगर वो एक लाइन का था तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं। और एक मजे की बात ये भी है कि अगर सिंपली आपने रिटर्न करवाना है तो आपने रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो भी काम करवाओगे वो बाई डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो जाएगा। यानी कि मुझे अगर यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई लिख करके अगर रिटर्न करवाना था, ठीक है, तो बस मैं इतना लिख दूंगा और बस हो गया, ठीक है। देख रहो, ये पहले हमारे पास इतना बड़ा था, ठीक है, फिर ऐसे हो गया और फिर अब बिल्कुल और छोटा हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हमारे पास। अच्छा, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आप कोई राउंड ऑफ करने के लिए कोई फंक्शन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, जो कि वैसे तो लॉजिक नहीं बन रही, लेकिन फिर भी हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप राउंड ऑफ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल राउंड कोई भी नंबर आप इसको दोगे और राउंड इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास फिर से कोई नंबर आ गया। अच्छा, अब अगर आपके पास पैरामीटर सिर्फ एक ही है तो आपको यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप ये जो कॉमा लगा लगा के वैल्यू दे रहे हो ना, अगर आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू, यानी सिर्फ आपके पास नम का कोई एक पैरामीटर, एक ही पैरामीटर आ रहा है, तो आप राउंड ब्रैकेट भी ना दो, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे रिटर्न करवाना है उसको राउंड ऑफ करके, तो मैं कर दूंगा मैथ डॉट राउंड और यहाँ पे उसको नम दे दूंगा, ठीक है। देखो, और शॉर्ट हो गया, सही है, वही चीज़ जो है वो और कम हो गई, वो जो हमारे एक राउंड ब्रैकेट था वो भी चला गया, पैरामीटर बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पैरामीटर फंक्शन का, और ये उसकी जो भी उसने हम काम कर रहे थे, ये उसकी रिटर्न वैल्यू, ठीक है, और ज़्यादा उसको शॉर्ट कर दिया। ये इसका फ़ायदा है कि आपका कोई भी काम आप जब कर रहे हो तो एरो फंक्शंस के अंदर, तो वो चीज़ जो है वो आपकी और क्या कहते हैं, और सिंप्लीफाइड हो जाती है। तो एरो फंक्शंस को जितने भी अब हमने फंक्शंस बनाए, जैसे ये वाला है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं सबट्रैक्ट का आउटपुट लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग, इसको चलाने का तरीका बिल्कुल सेम वही रहेगा जैसे आप पहले किसी भी फंक्शन में करते थे, पहले उसका नाम और फिर राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पर मैं करूँगा सबट्रैक्ट और फिर राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए 5 माइनस 5 और 3, ठीक है, यानी 5 माइनस 3 का जो भी आंसर हो वो मुझे रखवा दे। और इसी तरीके से मुझको क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई भी चाहिए है, तो मल्टीप्लाई भी रख देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई का तरीका भी वही होगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 का जो भी आंसर होता है वो मुझे बता देगा। और इसी तरीके से अगर मैं राउंड भी करवाना चाह रहा हूँ तो मैं राउंड करवाऊँगा, लेकिन राउंड को क्योंकि एक ही आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5.97 समथिंग इसकी कोई वैल्यू है, 970, ठीक है, तो ये उसको राउंड भी कर देगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो अभी इसको मैं यहाँ पर रन करके चला के देख भी सकता हूँ, ठीक है भाई। पहले वाले का जो सब्ट्रैक्ट था 5 माइनस 3, आंसर आ गया 2, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वाले का 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 15, और उसके बाद फिर 5.9 को हमने जब राउंड ऑफ कर दिया तो उसका आंसर आ गया 6। सही है भाई, क्लियर है सबको, ये एरो फंक्शंस क्लियर हैं। इसका एक फ़ायदा और है, वो हम अभी देखने जा रहे हैं, फ़िलहाल के लिए मुझे जल्दी से बता दें, ये क्लियर है आप लोगों को सबको?
ओके अच्छा ठीक है। अब इसका एक और फ़ायदा हम देखने के लिए जा रहे हैं। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसको गौर से आपने समझना है, ठीक है, वरना फिर आप एरो जो फंक्शंस होते हैं इसके कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास इंटरव्यू में आ गया तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ एक ओबीजे के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है, और नेम के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंपली क्या कहते हैं, कोई भी डेटा लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैलानी, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और बना दिया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक मेथड प्रिंट का, ठीक है, और मैंने उसके लिए बनाया फंक्शन। और फंक्शन के अंदर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अच्छा अब कोई भी क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ये सारी चीज़ें बताई थी कि ऑब्जेक्ट की आपस में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे को शेयर हो रही होती हैं। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो उसकी इस फंक्शन के अंदर ही रहते हुए मैं उसकी नेम वाली जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर सकता हूँ। यानी अगर मैं अभी ये पूरा का मैं कर रहा हूँ कॉमेंट आउट, ठीक है, और कॉमेंट आउट करने के बाद यहाँ पे मैं चला रहा हूँ कॉन्सोल डॉट लॉग, बल्कि कॉन्सोल डॉट लॉग भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्रिंट के अंदर हो रहा है। मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ ओबीजे डॉट प्रिंट, और प्रिंट क्योंकि एक फंक्शन है तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर आप लोग बताओ कि अगर ये जब प्रिंट मेरा कॉल होगा कॉन्सोल डॉट लॉग में क्या आना चाहिए, किस किस को याद है? हमने यहाँ पे ये सारा काम किया था ना मेथड के अंदर, हमने देखा था कि आपस में प्रॉपर्टीज़ का जो डेटा होता है वो शेयर हो सकता है। मेथड के अंदर भी हम किसी भी प्रॉपर्टी को उस ऑब्जेक्ट की एक्सेस कर सकते हैं। क्या आना चाहिए यहाँ पे दिस डॉट नेम के अंदर? सैलानी आना चाहिए, ठीक है, सब ठीक है, सही है, आप लोग सही कह रहे हैं, सैलानी आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आ गया सैलानी, ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल यही कॉन्सोल डॉट लॉग के अंदर ये जो मैंने प्रिंट करना था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ सेट टाइम आउट के अंदर, और सेट टाइम आउट के अंदर जाहिर सी बात है आपको पता है कि अगर हम कोई भी काम कोई स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर करवाने चाह रहे हों एसिंक्रोनसली तो हम उसको सेट टाइम आउट के अंदर रखते हैं। तो मैंने सेट टाइम आउट को हम देते हैं एक फंक्शन, और जो भी काम हमने करवाना है वो हम फंक्शन के अंदर रख देते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सोल डॉट लॉग प्रिंट तो हो लेकिन मेरे प्रिंट को कॉल करने के 1 सेकेंड के बाद हो, ठीक है, यानी जब मैं प्रिंट का फंक्शन चलाऊं उसके 1 सेकेंड के बाद कॉन्सोल डॉट लॉग चले। तो मैं यहाँ पे उसको 1000 बता दूंगा, यानी 1 सेकेंड के बाद आपने चलाना है क्या कहते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग को। अब मुझे बताओ अब अगर हम चलाते हैं यहाँ पे तो अब हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? 1 सेकेंड के बाद ही आउटपुट आएगा, लेकिन क्या आएगा आउटपुट हमारा? दिस डॉट नेम हमने एक्सेस किया है तो यहाँ पे सैलानी आएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर हम इसको रन करते हैं यहाँ पे तो 1 सेकेंड के बाद ये देखो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, मतलब एक तरह से वो डेटा उसको नहीं मिला। ये देख लो ऐप डॉट जे एस लाइन नंबर 23, ऐप डॉट जे एस लाइन नंबर 23 ये वाला कंसोल डॉट लॉग है उसने, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं चलाया। इसलिए नहीं चलाया क्योंकि ये जो आपने सेट टाइम आउट कॉल किया, सेट टाइम आउट के अंदर जब हम फंक्शन देते हैं उस फंक्शन का स्कोप हो जाता है चेंज, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन अब हम खुद कॉल नहीं कर रहे, इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है? सेट टाइम आउट, ठीक है। जिस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यानी ओबीजे डॉट प्रिंट, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है बिहाइंड द सीन, इस फंक्शन को तमाम एक्सेस दे देता है इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, क्योंकि हमने उसको ऑब्जेक्ट के ज़रिए खुद कॉल किया है। लेकिन जब आपने उसको सेट टाइम आउट के अंदर कॉल किया तो इसका मतलब ये है कि अब आप उसको कॉल नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब उसको सेट टाइम आउट कॉल कर रहा है। अब सेट टाइम आउट क्योंकि उसको कॉल कर रहा है इस वजह से उसको वो डेटा नहीं मिल रहा जो कि ऑब्जेक्ट का डेटा है, क्योंकि आपस में वो दोनों अब डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। जब तक हम ओबीजे डॉट प्रिंट के अंदर रख रहे थे उसको प्रिंट वाले फंक्शन के अंदर तब तक वो कनेक्टेड थे, लेकिन जब प्रिंट जो है वो सिर्फ सेट टाइम आउट कर रहा है और सेट टाइम आउट करके प्रिंट का काम अब हो गया ख़त्म, ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करेगा अब 1 सेकेंड के बाद खुद फंक्शन को चलाएगा। जब सेट टाइम आउट फंक्शन को चलाएगा तो उसको अब ओबीजे का और ओबीजे डॉट नेम का या दिस डॉट नेम का उसके पास कोई एक्सेस नहीं है, वो ओबीजे को नहीं जानता। इस वजह से जब हम सेट टाइम आउट के अंदर दिस डॉट नेम करेंगे तो उसको वो डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका जो स्कोप हो गया वो हो गया चेंज।
ये वाला जो एरर होता है हमारे पास, ये बहुत कॉमन एरर है जो कि सेट टाइम आउट्स के अंदर हमें फेस करना पड़ता है। सेट टाइम आउट के अंदर जब भी आप फंक्शन लगाते हो तो आपको इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मसला होता है, इस मसले को हल करने के लिए अगर हमें यहाँ पे ये वाला डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे इस फंक्शन इसकी जगह जो हमारे पास जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं उनकी जगह पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एरो फंक्शन। जैसे ही मैं उसको एरो फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करूँगा, अब अगर मैं यहाँ पे उसको रन करता हूँ तो देखो मेरे पास वो डेटा आ गया, ठीक है। ये वाला जो एक प्रॉब्लम था हमारे पास कि स्कोप चेंज हो जाता था, एरो फंक्शन अपना कोई भी नया स्कोप नहीं क्रिएट करता, ठीक है। जब एरो फंक्शन अपना कोई नया स्कोप नहीं क्रिएट करता है, इस वजह से हमारे पास वही पुराना स्कोप चल रहा होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट का था जहाँ से उसने कॉल किया। सेट टाइम आउट जो है वो अब उसको उसके स्कोप से ही पहचानता है, उसको अपने स्कोप के अंदर नहीं रखता, ठीक है। यानी अपनी कोई चीज़ उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, अब वो एक्चुअली कनेक्टेड किससे है, अपने मेन ऑब्जेक्ट के साथ। इस वजह से उसको उस डेटा का एक्सेस है, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछ ले कि मैं मुझे कब एरो फंक्शन को यूज़ करना चाहिए और कब ट्रेडिशनल फंक्शंस को, तो आप ये कहोगे कि जब आप चाहते हो कि आपके अंदर का तमाम डेटा जो है आपके किसी भी फंक्शन का आपका वो कहीं बाहर से आपको नहीं मंगवाना पड़ रहा है, यानी डिस्क के अंदर आपको नहीं मंगवाना पड़ रहा है, तो उस टाइम पे आप ये वाला जो फंक्शन है इसको यूज़ कर सकते हो जो हमारे पास पुराना वाला ये वाला फंक्शन था, ठीक है। लेकिन अगर आपके फंक्शन के अंदर कोई ऐसा डेटा आपको रिक्वायर्ड है जो कि बाहर किसी और चीज़ से किसी और वैल्यू के साथ रिलेटेड है, ठीक है, वो चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है, फिर आपको एरो फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एरो फंक्शन जो है वो अपना स्कोप नहीं क्रिएट करता, नया स्कोप अपना कोई नया डेटा नहीं क्रिएट करता। यहाँ पे नया डेटा का मतलब ये है कि जब आप कोई भी यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हो, समझ लो एक तरह से कि ये इसकी एक अपनी एक अलग हार्ड डिस्क है, ठीक है। जैसे आपके कंप्यूटर में अलग हार्ड डिस्क है ना, आपने अपनी एक हार्ड डिस्क के अंदर कोई सॉन्ग सेव किया, ठीक है, दूसरी हार्ड डिस्क में जाते हो तो वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप उसी हार्ड डिस्क के अंदर ढूंढ रहे हो तो वो चीज़ मिल जाएगी। ये जो हमारे पास पुराना वाला फंक्शन है, जितनी बार भी आप ये फंक्शन बनाते हो, इसकी एक अलग मेमोरी होती है, इसकी एक अलग हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसका जितना भी डेटा सेव हो रहा है वो एक अलग हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो रहा है, इस वजह से आपको उस डेटा का एक्सेस नहीं मिलता, इसका एक स्कोप अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एरो फंक्शन है, ये अपनी कोई नई हार्ड डिस्क नहीं क्रिएट कर रहा होता, ये उसी हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहा होता है जो आपकी मेन चल रही है। इस वजह से हमारे पास हम एरो फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और एरो फंक्शन हमारे पास ज़्यादा अच्छे काम प्रोड्यूस करके देते हैं। क्लियर है ये चीज़? प्रिंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको उस डेटा का एक्सेस ही नहीं था। अगर फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लो कि आपने अपनी हार्ड डिस्क के अंदर एक कोई गाना सेव किया था या कोई मूवी सेव की थी या अपनी कोई पिक्चर्स आपने सेव की थी, आपने हार्ड डिस्क की पूरी चेंज कर दी, आपको वो सॉन्ग वहाँ पर मिलेगा या आपको आपकी पिक्चर जो वहाँ पर थी वो आपको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना। इसी वजह से उसको वो नहीं मिल रही, क्योंकि आप जब भी फंक्शन क्रिएट करते हो वो अपनी एक नई स्पेस क्रिएट करता है, नई मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है। एक नई उसकी समझ लो उसकी एक हार्ड डिस्क ही एक अलग है, इस वजह से उसको उस डेटा का एक्सेस नहीं होता। लेकिन एरो फंक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई नई हार्ड डिस्क क्रिएट नहीं होती, वो उसी हार्ड डिस्क को पुरानी वाली हार्ड डिस्क को यूज़ कर रहा होता है, इस वजह से उसको उस डेटा का एक्सेस होता है। अच्छा जी, अब अच्छा किसी के सामने आप हार्ड डिस्क बोल नहीं देना। हार्ड डिस्क का मतलब जो है ना, मतलब वो हंसेगा फिर आपकी बात पे। हार्ड डिस्क मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कहा है, ठीक है। एक्चुअली इसको हम कहते हैं स्कोप, ठीक है। यानी हमारा जो एरो फंक्शन है उसका स्कोप अलग जो है वो अपना अलग स्कोप क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं वो अपना एक अलग स्कोप रखते हैं, ठीक है। आप किसी को भी एक्सप्लेन करोगे जब आप बताओगे, ठीक है, यानी अगर इंटरव्यू में बैठे हो तो इंटरव्यूअर के सामने आप हार्ड डिस्क नहीं बोलोगे, ठीक है, वो बोलोगे यार ये क्या बंदा है, ठीक है। आप उसको बोलोगे कि स्कोप जो है वो एरो फंक्शन अपना अलग क्रिएट नहीं करता, जो पुराने वाले फंक्शंस हमारे पास हैं वो अपना नया स्कोप क्रिएट करते थे। अच्छा जी, ये हो गए हमारे पास एरो फंक्शंस। अब इसके बाद ECMAScript 6 जो है वो, यानी जब जावास्क्रिप्ट का जो नया वर्जन है हमारे पास, खैर नया तो नहीं, अब तो बहुत पुराना हो गया, 2012-13 में या 14 में आया था मेरे ख्याल से, तो उस टाइम पे जब ये आया था तो जो अब तक हम चीज़ें पढ़ लेते वो ECMAScript 5 वाली थी, सिवाय लेट कॉन्स्टेंट वगैरह को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें हमने अब तक ECMAScript 5 वाली पढ़ी हैं या जावास्क्रिप्ट वाली पढ़ी हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कह लो या ECMAScript 5 कह लो, एक ही बात है। ECMAScript 6 जो है जब आया, यानी जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन जब आया, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आया था। जैसे अभी हमने एरो फंक्शंस पढ़ा ना, ये उसमें था, लेट कॉन्स्टेंट जो है ये भी उसके अंदर था, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं,
फंक्शंस हो या एरो फंक्शंस हो, कोई भी हो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के अंदर ही ये फीचर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है यहाँ पे ऐड का, ठीक है, ऐड का फंक्शन आपके पास है और यहाँ पे आपने को दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पे आप चाह रहे हो कि आप क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो एक्स को प्लस वाई को, सही है। अब इसके अंदर एक एडिशनल फीचर ये होता है कि यहाँ पे इस चीज़ को हम कहते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। डिफॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू पास ना करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी फंक्शन के अंदर अगर मैं कहीं पे भी पैरामीटर की वैल्यू अगर मैं पास ना करूँ तो फिर फंक्शन खुद से अपनी एक्स और वाई की वैल्यू कोई ना कोई खुद सपोज कर ले, ठीक है। यानी अगर मैंने एक्स की वैल्यू ना दी है तो ये एक्स की वैल्यू रख दे 5, और अगर मैंने वाई की वैल्यू नहीं दी तो ये वाई की वैल्यू रख दे 10, ठीक है। अगर मैं सिंपली अब अगर ऐड को कॉल करा देता हूँ यहाँ से ही, ठीक है, तो ये इसको रख देते हैं हम कंसोल के अंदर ताकि ये प्रिंट करे अपना रिजल्ट, कंसोल डॉट लॉग। तो अभी इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए एक्स की वैल्यू सपोज कर लेगा 5 और वाई की वैल्यू 10, तो इसका आंसर आना चाहिए 15, ठीक है, 15 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू अगर पास कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स की वैल्यू मैंने दे दी है 3 और मैंने वाई की वैल्यू जो है वो भी उसको दे दी है 7, ठीक है, तो अब ये जो 5 और 10 था उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी अगर मैं वैल्यू ना दूं तो, ठीक है। अगर मैंने उसको 3 और 7 दे दी तो अब वो 3 और 7 को ही यूज़ करेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप इक्वल्स टू लगा के कोई भी वैल्यू अगर वहाँ पर रख दो तो क्या होगा, आप क्या कहते हैं वो अगर आपने वैल्यू नहीं पास किए तो वो वाली वैल्यू जो है वो फंक्शन के अंदर सपोज हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास ECMA स्क्रिप्ट 6 नहीं थी ना, फिर हम इफ़ लगा के काम करते थे। कैसे करते थे पता है, हम कहते थे यहाँ पे इफ़ एक्स, इस तरीके से मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक्स ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड, अगर एक्स के अंदर अनडिफाइंड आ गया है तो फिर क्या करो, एक्स इक्वल्स टू 5, इस तरीके से कर दो। फिर इसी तरीके से सेम काम हम वाई के साथ भी करेंगे, तो इतना बड़ा काम हमें करना पड़ता था डिफ़ॉल्ट जो है कोई वैल्यूज़ बनाने के लिए, तो अब हमारे पास ये वाला काम जो है वो डायरेक्टली इस तरीके से हो सकता है, सही है। ये हो गया हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास इसी तरीके से हमारे पास आते हैं फंक्शन, एक नया फंक्शन बना रहे हैं और इसका नाम क्या दें, इसका नाम हम रख देते हैं प्रिंट ऑल, ठीक है। प्रिंट ऑल के अंदर हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू है एक और एक वाई, ठीक है, एक्स पैरामीटर और एक वाई पैरामीटर है, लेकिन ये दो पैरामीटर ऐसे हैं मेरे जिसमें मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है ये इनमें तो वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यूज़र जो है इसके अलावा अगर और वैल्यूज़ मुझे पास करना चाह रहा है तो भी मुझे पास कर दे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं डॉट 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 जी, ठीक है। ये जो होता है हमारे पास, ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं रेस्ट पैरामीटर, ठीक है। रेस्ट पैरामीटर यानी अगर एक्स वाई की वैल्यू होगी और इसके अलावा और बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी मुझे जेड के अंदर मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अभी उसको अभी फ़िलहाल के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग करवा रहा हूँ यहाँ पर ही, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एक्स करवा लेते हैं, एक्स वाई और जेड, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए तीनों में क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और प्रिंट ऑल, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू दे दी 5, वाई की वैल्यू मैंने दे दी इसको 2, और जेड की वैल्यू क्योंकि ये रेस्ट पैरामीटर है इसलिए मैं अब जितनी चाहे वैल्यूज़ इसको पास कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 8 भी दे दिया, 4 भी दे दिया, 5 भी दे दिया, 8 भी दे दिया दोबारा से और 9 दे दिया, ठीक है। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ मेरे पास गई हैं 5 और 2 के अलावा, 5 और 2 तो चली गई एक्स वाई में, ठीक है, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी जेड में जाएंगी। अब आप सोच रहे हो सर इतनी सारी वैल्यूज़ जेड में कैसे जाएंगी, तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखो 5 और 2 हमारे पास वैसे ही प्रिंट हो गए, लेकिन जेड की जगह पे उसने क्या दे दिया, एरे 8 4 5 8 9, कौन सी वैल्यूज़ है ये, 8 4 5 8 9 वाली, यानी वो जो एडिशनल जितनी भी वैल्यूज़ मैं दे रहा हूँ
क्योंकि वहां पे मैंने रेस्ट पैरामीटर रख लिया। अब वो सारी की सारी वैल्यूज क्या करेगा, एक एरे के अंदर रखेगा और एरे के अंदर रख के मुझे सारी की सारी वैल्यूज दे देगा। तो मैं यहाँ से एरे के जरिए उसको एक्सेस कर सकता हूँ, फॉर लूप चला सकता हूँ ताकि जितनी भी वैल्यूज मेरे पास सारी हैं वो सारी आ जाएं। ठीक है, अब अगर मुझको फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा करना है कि जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबका मैंने सम करना है, सबको ऐड करना है, तो पहले तो मैं x प्लस वाई करूँगा और उसके बाद फिर z को फॉर ईच चला के जितनी भी z का टोटल था उसको भी फॉर सम चला लूँगा और उसके बाद फिर दोनों को अपने पास क्या कहते हैं फाइनली क्या कहते हैं मर्ज करा लूँगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है उसका वो आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये है रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, अगर आपके पास आप श्योर नहीं हो कि आपका फंक्शन कितने पैरामीटर्स ले रहा है लेगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे रेस्ट पैरामीटर्स रख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास थी कि हमारे पास नंबर सही थे लेकिन हमें खुद नहीं पता कि टोटल कितने नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे रेस्ट पैरामीटर रखते हो तो जो एक्चुअल वो वैल्यूज़ होंगी वो तो आपको मिलेंगी, बाकी की सारी आपको एरे में रख के वो रेस्ट पैरामीटर के ज़रिए आपको दे देगा। अगर सिर्फ एक वैल्यू डालें तब भी आपको एरे में ही मिलेगी वो, क्योंकि वो रेस्ट पैरामीटर है तो उसका बाय डिफॉल्ट जो बिहेवियर है वो आपको डेटा जो है वो एरे में रख के ही देगा वो। एरे भी पास करवा सकते हैं, एरे भी बस वही होगा किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर एरे रखा हुआ होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी हमने स्प्रेड पढ़ा है, रेस्ट पढ़ा है, अभी हम स्प्रेड पढ़ेंगे। स्प्रेड पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। अगर इनपुट एरे देना हो तो मेरे भाई बिल्कुल दे सकते हो ना, फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी वैल्यूज जो मैं चाह रहा हूँ एक एरे के अंदर चली जाएँ, ऐसे भी दे सकते हो आप। अब आपको पता है वैल्यू के अंदर डिफरेंस क्या मिलेगा, ये देखो अब आपको यहाँ पे एरे मिला, उसके वन इंडेक्स पे दोबारा एक एरे मिल गया, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो एक पैरामीटर के तौर पे काउंट होगी, ऐसे रख सकते हो आप उसको। तो ये हमारे पास ये जो था इसको हम कहते हैं रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ रहे हैं वैल्यूज क्या कहते हैं, अच्छा इसके बाद हमने पढ़ना है स्प्रेड ऑपरेटर, लेकिन स्प्रेड ऑपरेटर से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, पहले हम उसको समझ लें उसके बाद फिर हम रेस्ट की स्प्रेड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की कीज सेट करवाने के लिए, एरेज बनाने के लिए, ठीक है, हमारे पास ना मल्टीपल शॉर्ट कीज़ होती हैं हमारे पास उसको निकालने के लिए भी और उसमें वैल्यू इंसर्ट करवाने के लिए भी, तो वो वाले काम हम पहले करके देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास बन रहा है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ और ऑब्जेक्ट मैंने उसको बना लिया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक और एक वेरिएबल था कांस्टेंट का, ठीक है, फर्स्ट नेम के नाम से एक वैल्यू थी। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास किसी भी यूज़र का फर्स्ट नेम रखा हुआ था, फॉर एग्जांपल इस हाक रखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम के नाम से की बने और फर्स्ट नेम की एक्चुअल वैल्यू जो है वही वहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आप लिखोगे फर्स्ट नेम कॉलन फर्स्ट नेम, यानी ये पहली वाली जो हो गई ये की और दूसरी उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ से वो उठा के लेकर आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू में तो यही होता है। ठीक है, वैल्यू में तो हमें कोई वैल्यू ही देनी पड़ती है उसको, तो अगर हमने किसी भी वेरिएबल का नाम दिया हुआ है तो वहाँ से उठा के लेके आ जाएगा, और पहली वाली जो होगी वो क्या कंसिडर होगी, उसकी की। अगर हम यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट को देखें तो कंसोल डॉट लॉग करके हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, फर्स्ट नेम और उसमें वैल्यू आ गई इसहाक। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब ECMAScript 6 क्या कहता है, ECMAScript 6 कहता है कि भाई अगर आपके पास ऑलरेडी एक नाम का ऑलरेडी किसी नाम का अगर आपके पास वेरिएबल बना हुआ है, आप उसी नाम से की भी बनाना चाह रहे हो और उसी की वैल्यू को भी रखना चाह रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग उसके बाद कॉमा लगा के फिर दोबारा उसको लिखो। अगर आप सिर्फ फर्स्ट नेम बता देते हो ना, तो मैं फर्स्ट नेम के नाम से ही एक की भी बना दूंगा और फर्स्ट नेम के नाम से ही एक वेरिएबल को सर्च करूंगा और उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के वहाँ पे रख भी दूंगा। यानी अगर मैं ये पूरा हटा भी दूँ ना तो ये इसका आउटपुट नहीं बदलेगा। यानी इसने क्या किया, इसने यहाँ पे फर्स्ट नेम के नाम से उसकी की बना दी जो भी मेरे वेरिएबल का नाम था, ठीक है, और उसके अंदर जो भी वैल्यू रखी हुई थी उसको उसकी वैल्यू के तौर पर रख दिया। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम के साथ साथ अगर मेरे पास लास्ट नेम भी है यहाँ पे, ठीक है, और मैं लास्ट नेम को भी रखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और लास्ट नेम भी रख दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं वाली बात नहीं होगी इसके लिए, ये इसको भी ऐसे रख सकता है।
ठीक है। अच्छा अब अगर मुझे इसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कहते हैं, अभी ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ठीक है, ये है शॉर्ट सिंटेक्स फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड भी बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इस मेथड का नाम मेरे पास है प्रिंट नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन ले सकता हूँ ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट नेम के अंदर मैं कह सकता हूँ भाई मुझे करवाना है कॉन्सोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे कहना है दिस डॉट फर्स्ट नेम कॉमा दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पे आप ओबीजे जो पूरा रख रहे थे ओबीजे के में जगह में सिर्फ यहाँ पे ओबीजे डॉट प्रिंट नेम अगर मैं कॉल करवा दूँ तो ये क्या करेगा, नेम को प्रिंट नेम को सब दोनों को साथ लगा के यहाँ पे रख देगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा अब जब आप मेथड्स बना रहे होते हो, मेथड बनाने के लिए भी इसने क्या किया आपको एक शॉर्ट की दे दिए, एक तो ये कि आप यहाँ पे सिंपली ये पूरा हटा दो ठीक है, और यहाँ पे आप एरो फंक्शन रख दो ठीक है, एरो फंक्शन के अंदर सिंपली आप जो फंक्शन का कीवर्ड होता है वो हटाओगे, राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट के बीच में क्या लिख दोगे उसका जो भी क्या कहते हैं जो एरो आता है वो आ जाएगा ठीक है। अगर मैं ऐसे चलाता हूँ तब भी इसको मैं यहाँ पे अच्छा इसका स्कोप पेरेंट है इस वजह से ये सॉरी यहाँ पे नहीं चलेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये चीज़ मैं बाद में समझाऊँगा आपको क्यों नहीं चली। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं एक इसकी शॉर्ट की होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दिस को एक्सेस नहीं करता अभी, मैं फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी काम करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ इसहाक भोजानी ठीक है, और एरो ब्रैकेट इसको बना लेते ठीक है, एरो फंक्शन। अब अगर हम इसको रीलोड करते हैं ये चलेगा ठीक है, और इसके अंदर एक और क्या कहते हैं आपको और शॉर्ट करने के लिए इन्होंने क्या कह दिया, कह रहे हैं कि भाई आप कॉलन हटा दो, कॉलन हटा के आप राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट अगर आप लगा दो तो ये भी आपका मेथड बन जाएगा खुद ही ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर रख के, क्योंकि हम क्लासेस हम पढ़ेंगे तो क्लासेस के अंदर हम इसी तरीके से मेथड बनाते हैं, तो ये क्लास के अंदर जो मेथड्स बनते हैं उसी तरह का सिंटेक्स इसने यहाँ पे अलाउ कर दिया कि आप इस तरीके से अपने मेथड्स बना सकते हो, यहाँ पे कोई भी नाम लिखो, नाम के आगे राउंड ब्रैकेट और फंक्शन बना दो ठीक है, उसके ज़रिए भी आपका ये वाला काम हो जाएगा ठीक है, और इसके अंदर फिर आप दिस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। अच्छा अब ये चीज़ें क्लियर हैं आपको, ये शॉर्ट कीज हमने जो बनाई हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी से बताओ हमारे पास अभी टाइम कम बचा है और हमारे पास अभी पढ़ने के लिए अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं। रेस्ट पैरामीटर्स को वेबसाइट में भाई हर जगह यूज़ होगा, वेबसाइट की बात नहीं किया करो, वेब एप्लीकेशन की बात किया करो, वेबसाइट के अंदर तो जावास्क्रिप्ट नाम की होती है। अच्छा तो ये हमारी शॉर्ट कीज हमारी हो गई है क्लियर आप तमाम लोगों को, हम आगे बढ़ लें ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक ऑब्जेक्ट ही बना हुआ है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, उनको यूज़ नहीं कर रहा ठीक है, मैं यहाँ पे रखता हूँ इस हाक, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ ठीक है हो जाने ठीक है। अच्छा अब ओबीजे के अंदर से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपने कोई वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी कॉन्स्टेंट बनाना था उसकी की में से वैल्यू निकालनी थी, तो आप कैसे एक्सेस करते हो उसको, आप उसको एक्सेस ऐसे करते हो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंट ठीक है, कॉन्स्टेंट नेम, या आपने यहाँ पे इसको कर दिया यूज़र फर्स्ट नेम ठीक है, ऐसे एक्सेस कर सकते हो उसको, और यहाँ पे लिखोगे ओ बी जे डॉट फर्स्ट नेम सही है, आप इसको यहाँ पे अगर यूज़र फर्स्ट नेम को चला के देखो तो ये कॉन्सोल डॉट लॉग भी करेगा उसको ठीक है सही है। अच्छा इसी तरीके से अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आप इसी नाम का वेरिएबल बनाना चाह रहे हो तो आप वो भी बना सकते हो है ना, कॉन्स्टेंट फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू ओ बी, यानी ओ बी जे डॉट फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू है वो फर्स्ट नेम के वेरिएबल के अंदर ला के रख दो, और हम यहाँ पे फर्स्ट नेम को भी चेक कर सकते हैं। अब
ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ये हमें क्या कहता है, ये कहता है कि भाई आपको इसके लिए भी शॉर्ट सिंटेक्स दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से उसी नाम की निकाल के उसी नाम का वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करो, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के लगा दो अपने वेरिएबल के नाम के ऊपर। जब कर्ली ब्रैकेट लगाओगे ना तो जावास्क्रिप्ट जो आपकी एक्मा स्क्रिप्ट है वो खुद ही समझ जाएगी कि आगे ऑब्जेक्ट आने वाला है और इसी नाम से उसकी की के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है वो निकाल के इस नाम के वेरिएबल बना के उसमें रख देना है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास सेम काम होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे जब मैंने उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रैप कर दिया अपने वेरिएबल के नाम को तो वो क्या किया, उसको समझ गया कि आगे मेरे पास आने वाला है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर से उस की को निकाला। ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू थी और उसी नाम से उसमें वेरिएबल बना के उसमें सेव करा दिया। अब मैं फर्स्ट नेम को डायरेक्टली किसी भी आम वेरिएबल की तरह एक्सेस कर सकता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे डॉट लगा के फर्स्ट नेम लिखो और चाहो तो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो तो भी सेम काम आपका हो जाएगा। ये भी आपके पास एक शॉर्ट की होती है एक्मा स्क्रिप्ट 6 के अंदर, बिल्कुल सेम काम यही वाला जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ किया है यही काम हम एरे के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है कॉन्स्टेंट एरे इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरे पास डेटा है, कोई भी डेटा हम यहाँ पे रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है पहले उसमें इसहाक। ठीक है, अब मुझे वही फर्स्ट नेम वाला जो मेरा बनाना है लेकिन अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो अगर एरे में से निकालनी है, यहाँ पे मेरे पास एरे आएगा। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट की जगह मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं इस पूरे को रैप कर दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो एक्मा स्क्रिप्ट समझ जाएगी कि आगे एरे आने वाला है। और क्योंकि ये जो फर्स्ट नेम है, अगर आप इस एरे को देखो तो फर्स्ट नेम कौन से इंडेक्स के ऊपर रखा हुआ है, जीरो इंडेक्स के ऊपर, तो इसी वजह से ये क्या करेगा, एरे के अंदर जो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी हुई है वो ला के यहाँ पे रख देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसहाक भी रखा हुआ था और आगे वो जानी भी रखा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट नेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नेम को अगर प्रिंट भी करवा लें तो मेरे पास जो एक्चुअल वैल्यू थी जीरो इंडेक्स के ऊपर वो उठ के फर्स्ट नेम के अंदर आ गई होगी। अगर इसी तरीके से मैं लास्ट नेम वाला भी चाह रहा हूँ तो मैं यहीं पे कॉमा लगा के लास्ट नेम भी रख सकता हूँ। बाय द वे मैं यहाँ पे भी कॉमा लगा के लास्ट नेम रख सकता हूँ। ठीक है, तो वो लास्ट नेम के नाम से एक और वेरिएबल बन जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो भी आके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम के को भी आप एक्सेस कर सकते हो और लास्ट नेम को भी एक्सेस कर सकते हो और इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो जीरो इंडेक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए और उसी का आपको वेरिएबल बनाना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखोगे, सिंपली कॉमा लगा दोगे। ठीक है, यानी पहला वाला आपने ब्लैंक छोड़ दिया, आपने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, उस नाम से वेरिएबल आपका क्रिएट नहीं होगा और वो जो जीरो इंडेक्स की वैल्यू है वो कहीं पर भी नहीं जाएगी, सिर्फ लास्ट इंडेक्स ये जो आपके पास सेकेंड इंडेक्स है क्योंकि ये सेकेंड उस पर आ रहा है, फर्स्ट इंडेक्स पर आ रहा है, तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आपकी लास्ट नेम में आके यहाँ पर सेव हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और बना लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल एबीसी नाम का कोई वेरिएबल बना लूँ, हालांकि एबीसी नाम की कोई यहाँ पे कोई बचती नहीं क्योंकि एबीसी कौन से इंडेक्स पे आ गया, 0 1 2, एबीसी 2 पे आ गया और मैं यहाँ पे अब एबीसी को अगर चेक करूँ तो एबीसी में क्या रखा हुआ होगा, एबीसी में अनडिफाइंड रखा होगा क्योंकि एबीसी में यहाँ पर कोई इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं रख देता हूँ सैलानी, ठीक है, तो अब आप समझ सकते हो कि एबीसी के अंदर क्या वैल्यू आएगी। सही है भाई, तो ये वाली जो चीज़ है हमारे पास ये शॉर्ट कीज़ है और ये बहुत ज़्यादा आपके पास यूज़ होती है हमारे पास, ख़ास तौर पे जब आप रिएक्ट वगैरह यूज़ करोगे या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हो तो ये बहुत हेल्पफुल है, इसको आपने अपनी आदत बनाना पड़ेगा कि इसको यूज़ करना। ठीक है, अच्छा ये इसको भी मैं कॉपी कर रहा हूँ और कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ नीचे, अब हम आ रहे हैं वापस अपने, ये सारी की सारी हमारी शॉर्ट वो थी। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं इस तमाम को, ये जो हम यहाँ से हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इस सब को हम कहते हैं डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अगर चल रही होगी तो डीस्ट्रक्चरिंग ऑब्जेक्ट, और क्या कहते हैं अगर एरे पे चल रही है तो एरे एरे डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा से एक एरे बना रहा हूँ। ठीक है, और अब हम देखने के लिए जा रहे हैं हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर्स। सही है, रेस्ट ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होगा, रेस्ट ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली किसी भी एरे को या किसी भी ऑब्जेक्ट को
एक्सपेंड कर देते हैं, खोल देते हैं। ठीक है, कैसे ओपन कर देते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे नया एरे बनाना चाह रहा हूँ या इसी की कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, तो पहला तरीका तो हमारे पास ये होता है कि हम डायरेक्टली उसको क्या कहते हैं, हमारे पास जो तरीका होता था स्लाइस वाला, एरे के अंदर स्लाइस यूज़ करते थे हम कॉपी बनाने के लिए, हमने कई बार यूज़ भी किया है। लेकिन मैं स्लाइस वाला तरीका जो है वो एक्मा स्क्रिप्ट 5 का तरीका था। अब इसमें क्या कहते हैं, आपके पास रेस्ट ऑपरेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप एक नया एरे बनाना चाह रहे हो, इसकी कॉपी बनाना चाह रहे हो अगर आप, तो यहाँ पे इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें आप रेस्ट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। इस पूरे एरे को ये क्या करेगा, खोल के आपको एक एक वैल्यूज़ उसकी आपको दे देगा। सॉरी, रेस्ट नहीं, यहाँ पे इसका काम है, मैं बार बार गलत वर्ड यूज़ करूँ, ये हम स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है जी, अच्छा, तो स्प्रेड ऑपरेटर ये जो है वो किसी भी चीज़ को स्प्रेड कर देता है, खोल देता है, फैला देता है। ठीक है, कैसे फैलाएगा? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया कांस्टेंट, न्यू एरे बना लेते हैं हम। ठीक है, एक एरे बना लिया। ठीक है, अगर इस पूरे की वैल्यू जितना भी एरे था वो सारा का सारा मुझे यहाँ पे रखना है, तो मैं लगा दूंगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी ये स्प्रेड की निशानी है। रेस्ट के लिए भी ये यूज़ होता है, स्प्रेड के लिए भी ये यूज़ होता है, जो हमने रेस्ट पैरामीटर्स देखे थे, लेकिन वो फंक्शन के पैरामीटर्स में यूज़ होंगे। और यहाँ पे जब एरे के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर आप यूज़ कर रहे हो कहीं पे भी, तो आप उसको स्प्रेड ऑपरेटर कहोगे। ठीक है, दोनों के काम भी एक तरह से मिलते जुलते हैं, और मैं हमेशा नाम के अंदर मिस्टेक करता हूँ, कभी रेस्ट को स्प्रेड कह देता हूँ, कभी स्प्रेड को रेस्ट कह देता हूँ। ये हो सकता है आपके साथ भी हो या हो सकता है ना हो। ठीक है, तो स्प्रेड ऑपरेटर लगा के आप यहाँ पे उस एरे का नाम लिख दोगे। अब ये जो हमारे पास न्यू एरे है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो उठ के आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, यानी मैंने एक नया एरे बनाया, उस पूरी वैल्यूज़ को उठा के तोड़ के उस एरे के अंदर रख दिया, यानी ये जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी अब यहाँ पे इस एरे के अंदर आ जाएंगी, इसलिए ये नया एरे बन जाएगा, बिल्कुल सेम उसकी कॉपी बन जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको कंसोल करके न्यू एरे को देख भी सकता हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसमें और भी वैल्यूज़ आएँ, यानी इस एरे को रखने से पहले मुझे कुछ और वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले उसमें आ गया सम डेटा, कोई भी डेटा मैंने यहाँ पे रखना था, वो पहले इंडेक्स पे, ज़ीरो इंडेक्स पे वो आ जाएगा। फिर इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो ज़ीरो इंडेक्स के बाद से स्टार्ट होंगी, और मैं चाह रहा हूँ जब इसकी वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएँ तो मुझे और भी डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ अनदर डेटा। जितनी वैल्यूज चाहो आप पहले रख सकते हो, जितनी वैल्यूज चाहो बाद में भी रख सकते हो, और चाहो तो स्प्रेड को पहले रखो, जैसी आपकी मर्जी है। अब क्या होगा, सबसे पहले वाले इंडेक्स पे सम डेटा आएगा, फिर आएगा इसहाक, फिर भोजानी, फिर सैलानी, और उसके बाद अनदर डेटा। अब अगर हम इसको चेक करें तो ठीक है भाई, ये देखो इसने मुझे पूरा नया एरे बना दिया, पहले सम डेटा, फिर उसकी जो हमारे पास एक्चुअल डेटा था उस पूरे को तोड़ के इसने लाके उसके बीच में रख दिया। ठीक है, स्प्रेड कर दिया, और उसके बाद फिर हमारे पास जो बाद में हमने वैल्यू रखी थी वो अनदर डेटा उसके अंदर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से यही काम जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी चलता है। ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी हम स्प्रेड ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स पे कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं हम जल्दी से, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास सिर्फ यही है। ठीक है, ये हटा देता हूँ, रख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन मैं अभी हटा रहा हूँ, इसको सिंपल बनाते हैं। ठीक है, अभी समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के को कॉपी करके हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे कहा कॉन्स्टेंट न्यू ओबीजे, न्यू ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी की वैल्यू पेयर से, यानी प्रॉपर्टीज थी या मेथड से, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी यहाँ पे कॉपी आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वही स्प्रेड ऑपरेटर अपना और डॉट डॉट ओबीजे। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब मैं चेक करना चाहूँ तो उसके अंदर भी सेम वही चीज़ें सारी की सारी पड़ी हुई होंगी, न्यू ओबीजे। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम उसके अंदर। और इसी के साथ साथ अगर मैं चाह रहा हूँ कि पुराना वाला ऑब्जेक्ट तो पूरा का पूरा कॉपी हो, लेकिन इसमें कुछ नई वैल्यूज़ भी स्टोर करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे जो है वो इसकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह मुझे इसके साथ साथ चाहिए हॉबीज़ भी चाहिए। ठीक है, मुझे हॉबीज़ भी चाहिए, और हॉबीज़ एक एरे होगा। ठीक है, जो भी आप चाहो, जिस तरह का डेटा चाहो आप रख सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिंपली हॉबीज़ के अंदर, या हॉबीज़ की जगह मैं सिंपली अभी सिंपल करने के लिए इसकी हॉबी की बना सकता हूँ, और इसकी हॉबी जो है वो है वीडियो गेम्स। ठीक है, अब अगर हम न्यू ऑब्जेक्ट को चेक करें तो उसमें हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और हॉबी भी रखी हुई होगी, लेकिन जो हमारा पुराना वाला ऑब्जेक्ट होगा वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ होगा। ये देखो पुराना वाला ऑब्जेक्ट,
ये इसके अंदर पुरानी ही कीज़ पड़ी हुई, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, और वो जो नया ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें हमने जो चेंजेस कर दी वो उसके अंदर आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, इसके साथ साथ अगर मैं इसका फर्स्ट नेम चेंज करना चाह रहा हूँ, यानी किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें ऑलरेडी है और मैं चाह रहा हूँ उसको चेंज करूँ, तो मैं उसी नाम से दोबारा की बना के कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसहाक की जगह जो है वो अब हमारे पास डेटा जो है वो है यासीन। ठीक है, सही है भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देख रहे हो, बाकी जो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो उसके अंदर थी उसका डेटा चेंज हो गया, और जो क्योंकि हमने उसी के नाम से एक और प्रॉपर्टी उसको पास कर दी तो वो ओवरराइड हो गई। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी हमारे पास सेम रहेगी। तो इस तरीके से आप रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर इनको भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है भाई सबको, ये जो स्प्रेड हमने ऑपरेटर पढ़ा है। बैड प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, क्यों बैड प्रैक्टिस होगी, ये इसीलिए ये हमें यूज़ करने के लिए दिया है। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि हम पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी करना चाह रहे होते हैं और किसी एक आध की के अंदर चेंज करना चाह रहे होते हैं और किसी दूसरी कीज़ को भी ऐड करके नया ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर, बल्कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली अब चीज़ों में से एक है स्प्रेड ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में। अच्छा भाई क्लियर है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग जब मैंने पहली बार देखा था मुझे भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी थी, और ख़ास तौर पे मैंने तो 2-3 साल या 4 साल के करीब तकरीबन ECMAScript 5 पे काम कर चुका था, यानी जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो उस टाइम पे तो मेरे लिए तमाम चीज़ें जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी वो नेमत से कम नहीं थी एक तरह से, कि यार इतनी आसानी हो गई, वरना ये सारा काम हमें मैन्युअली करवाना पड़ता था, एक फंक्शन बनाना पड़ता था, एक फॉर लूप बनाना पड़ता था, एक एक करके कीज़ को कॉपी करवा के रखना पड़ता था ऑब्जेक्ट के अंदर, फिर उसमें से डेटा जिसमें चेंज करवाना है उसको देखना पड़ता था, फिर नई वैल्यूज़ ऐड करवानी है वो रखना पड़ता था। ये देख लो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उसने यहाँ पर ला के मुझे रख दिया ताकि मैं कॉपी कर लूँ, तो ये सारी चीज़ इतनी आसानी हो गई थी इसके आने के बाद काम करने में। स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर किसी इंडेक्स के ऊपर आप बैठ के काम नहीं कर सकते उसके उप, उसको तो फिर आपने मैन्युअली ओवरराइड ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या कहते हैं, अब हम आ रहे हैं अपनी आज की क्लास के मेन टॉपिक के ऊपर, जो हमारे टाइम कम रह गया है इसलिए मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, और इसको और डिटेल में हम देखेंगे क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे ऊप्स, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो कि हमारे पास क्लासेस वगैरह जो होती हैं उसके ज़रिए हमारे पास यूज़ होता है। अच्छा, अब क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हों उसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, इसके नाम से भी यही जाहिर हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऐसी प्रोग्रामिंग जो के ऑब्जेक्ट्स के अराउंड इवॉल्व करती हो, जैसे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये भी क्या कहते हैं एक तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ही आएगा, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है। ठीक है, प्रॉपर वे ये होता है, अभी तक हम जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम सारे ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं मैनुअल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स बनाने के अंदर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास जो इश्यूज़ आते हैं वो इश्यूज़ क्या आते हैं हमारे पास, कि आप अक्सर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त गलतियां कर देते हैं, कि कहीं पे हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है, कहीं पे वैल्यूज़ ठीक नहीं जा रही होती, इस तरह के हमारे पास अक्सर इश्यूज़ आ जाते हैं ना। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो प्रॉपर ऊप्स को क्या कहते हैं वैसे तो नहीं करता, लेकिन ये भी खैर उसकी गनीमत है कि थोड़े बहुत उसने अब ECMAScript 6 के अंदर क्लासेस वगैरह इंट्रोड्यूस करवा दी हमारे पास, वरना ECMAScript 6 से पहले हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास वगैरह इस तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं थी। ठीक है, हम उसके लिए उस टाइम पे ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज़ करते थे। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस अगर किसी को नहीं पता तो जाके पढ़ लेना, अब मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक इररेलीवेंट हो गए हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है अभी भी जो कि बहुत पुराना ECMAScript 5 पे चल रहा है तो वहाँ पे हो सकता है कंस्ट्रक्टर फंक्शंस यूज़ होते हों, वरना अब हर जगह पे हम क्लासेस वगैरह को ही यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो क्लासेस जो है वो बेसिकली हमारे पास काम क्या करती हैं, क्लासेस हों या इससे पहले जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शंस थे वो क्या काम करती थी, वो हमें एक ऑब्जेक्ट बना के देती थी खुद से। ठीक है, क्लासेस का काम होता है ऑब्जेक्ट बना के देना,
बस ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे क्लासेस का काम क्या होता है, तो आप कहोगे उसको कि क्लासेस का काम होता है ऑब्जेक्ट बना के देना। अगर इंग्लिश के अंदर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे, तो आप कह सकते हो कि क्लासेस आर ब्लू प्रिंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ एन एंटिटी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपका बन रहा है, उसकी ब्लू प्रिंट जो होती है वो क्लास होती है। अब ब्लू प्रिंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे जो आपकी कोई भी क्लास, बल्कि आप एक काम करते हैं, हम इसको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल जो सबसे अच्छी है ना, वो क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी प्लास्टिक की कोई चीज़ बनाना चाह रहे हो, कोई मोबाइल फ़ोन बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज़ बना, या प्लास्टिक का एक बॉक्स बनाना चाह रहे हो, या प्लास्टिक की प्लेट बनाना चाह रहे हो, ठीक है। अब जब भी आप वो प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बनाना चाहते हो या बॉक्स बनाते हो, आपने अक्सर देखा होगा वो कभी भी मैन्युअली नहीं बनते, ठीक है। अगर मैन्युअली बन भी जाए, ठीक है, तो वो कभी भी एक जैसे नहीं बनते। क्यों नहीं बनते एक जैसे? उनका साइज़ वगैरह आगे पीछे हो जाता है, डायमेंशंस उनकी आगे पीछे हो जाती हैं। तो इस काम के लिए हमेशा हमारे पास, आपने अक्सर देखा होगा, जो लेद मशीन वगैरह के लोग जो काम कर रहे होते हैं, वो डाई बनाते हैं उसकी, ठीक है, इस काम के लिए। अब ये जो डाई बनती है, क्यों बनती है? ये डाई बनती है उसकी एक्चुअल साइज़ को, डायमेंशन को लेके, कि भाई ये चीज़ इस तरह का होना चाहिए, इसकी क्या कहते हैं, इसकी डेप्थ इतनी होनी चाहिए, इसकी विड्थ इतनी होगी, इसकी हाइट इतनी होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं, इस तरीके का होगा, उसकी शेप इस तरह की होगी। यानी एक बार डाई के अंदर तमाम डिटेल जो है उसकी मेंशन कर देते हैं, उस डाई से अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन के निकलेंगे, ठीक है, यानी उस डाई से अब जितने भी, अगर आप चाहो, अगर आपने बर्तन बनाने के लिए कोई डाई बनाई है, अगर वो डाई उस डाई से बन के अगर वो चीज़ निकल रही है, तो क्या कहते हैं, वो हमेशा एक जैसी होगी, हमेशा एक ही सेम साइज़ की होगी, कभी भी उसके साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। तो क्लासेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए एक डाई का काम करती हैं, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स बनने वाले हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफर ना कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आप मैन्युअली ऑब्जेक्ट बना रहे थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्टेंट ओबीजे इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है आपने, और इसके अंदर आपने रखा फॉर एग्जांपल नेम की की रख दी आपने, और नेम के अंदर आपने रख दिया फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसका रख दिया LED TV, ठीक है, LED TV आपने यहाँ पे रख दिया। और इसी तरीके से आपने इसकी मेंशन कर दी है प्राइस, ठीक है, और इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल ये समथिंग, इसकी प्राइस है, ठीक है, 12,000 रुपीज़ समथिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके का आप एक और ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, जो कि आपने सेम एरे के अंदर रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स का आपके पास एरे हो सकती है। आप बनाओगे फॉर एग्जांपल, आपने बनाया ओबीजे टू इक्वल्स टू, एक और आपने बना लिया, ठीक है, अब दूसरी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हो। अब आप यहाँ पे गलती क्या कर सकते हो, आपको हमेशा कीज़ याद नहीं रहती, ठीक है, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपके पास कीज़ बहुत सारी हों, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह जो एक्चुअल डेटाबेस होता है, अगर आप उसमें देखो, तो आपको कभी कभार किसी भी ऑब्जेक्ट की आपको एटलीस्ट 30, 20, 30 इस तरह की आपको कीज़ मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप गलती कर सकते हो, फॉर एग्जांपल जो चीज़ जहाँ पे आपने पहले नेम रखा था, नेम की जगह पे आपने रख दिया टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल उसका जो टाइटल था वो है सैमसंग गैलेक्सी, ठीक है, और फिर इसी तरीके से प्राइस की जगह आपने रख दिया यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, और अमाउंट की जगह आपने रख दिया 140 समथिंग, ठीक है, सही है भाई। अब क्या हुआ, बज़ाहिर ये जो ऑब्जेक्ट से आपने बनाए, ठीक बनाए, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे गलती क्या की, यहाँ पे आपने दोनों की कीज़ को क्या कर दिया, चेंज। अब जब आप इसको कहीं पे यूज़ कराने के लिए जाओगे, फॉर एग्जांपल ये दोनों जो है वो डेटा अगर मैं रख देता हूँ किसी अपनी कांस्टेंट के एक एरे के अंदर, कांस्टेंट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू एरे, ठीक है, और एरे में मैंने रख दिया ओबीजे और ओबीजे टू, सही है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट्स के ऊपर फॉर ईच चला देते हो, ठीक है, फॉर ईच चला के आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे ना मैं एरो फंक्शन भी दे सकता हूँ, और आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, प्रोडक्ट्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास पी आ जाएगा, और मैंने लगा दिया एरो ब्रैकेट, और एरो ब्रैकेट लगाने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो मेरा काम है वो है कंसोल डॉट लॉग, देख लो कितना शॉर्ट हो गया मेरा फॉर ईच, ठीक है, और मैंने सिर्फ पी को प्रिंट कराना है, या बल्कि मैंने पी में से नेम की एंट्री में चाह रहा हूँ, कि मेरे मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने कीज़ का नाम रखा था नेम, और मैंने प्रिंट करा दी। तो अब बताए क्या होगा, पहले में LED TV आया, दूसरे में अनडिफाइंड आया, क्यों? क्योंकि दूसरे वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट टू है, उसमें नेम की प्रॉपर्टी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैंने कीज़ के नाम के अंदर कीज़ में मिस्टेक कर दी,
ठीक है। अच्छा चलो, आप बोल सकते हो कि ठीक है सर ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, मैं पीछे जाके देख भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, फिर ठीक है इस तरह की इश्यूज हो सकते हैं। इसके लिए फिर हमें कोई ना कोई एक ऑटोमेटेड वे चाहिए होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम क्या करें, हमारे कोई एक 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 मेथड हो, एक तरीका हो जो कि हमें ऑब्जेक्ट बना के खुद दे रहा हो। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाते हैं, वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम क्लासेस के ज़रिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जल्दी से मैं आपको बता दूं कि अगर यही काम मुझको क्या कहते हैं क्लास के ज़रिए करना हो तो मैं बनाऊंगा क्लास, और अगर मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए कर रहा हूं तो मैं इसको बनाऊंगा प्रोडक्ट। ठीक है, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये बात याद रखना, उसके बाद फिर आ जाएगा हमारे पास कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा अब इसको इस क्लास को बनाते वक्त यानी इस क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी हमें मिलती हैं, क्योंकि क्लास भी एक फंक्शन की तरह ही बिहेव कर रहा होता है, फंक्शन की तरह कॉल करते हैं हम। जैसे अगर मैंने अगर नया प्रोडक्ट बनानी है अपनी, फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाह रहा हूँ कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट वन इक्वल्स, तो मैं हमेशा न्यू करता हूँ और न्यू करके मैं बनाऊँगा प्रोडक्ट और आगे राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट बनाते वक्त जो भी वैल्यूज़ उसको रिक्वायर्ड है, जैसे कि ये सैमसंग गैलेक्सी और एलईडी टीवी, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज़ मैं उसको एज अ पैरामीटर ही पास करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले उसका एलईडी टीवी आ गया, ठीक है, और इसके साथ साथ फिर यहाँ पे आ गया उसकी जो भी अमाउंट थी। ठीक है, और इसी तरीके से मैं अगर प्रोडक्ट टू भी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं दोबारा से अब क्या करूँगा, इसको प्रोडक्ट टू न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पर अब मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे जो उसका टाइप वो थी वैल्यू, सिर्फ वैल्यूज़ दे रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं कीज़ नहीं दे रहा उसको, कीज़ जो है वो मैं सिर्फ एक बार डिफाइन करूँगा, कहाँ पे डिफाइन करूँगा, अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, अच्छा ये जो जो भी डेटा मैंने उसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास किया है वो इसके अंदर हमारे पास एक बनता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर को वो तमाम वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी वैल्यू थी आप उसको उसके नाम से गेट कर सकते हो, टाइटल और प्राइस अगर आप रखना चाह रहे हो तो प्राइस रख दो। ठीक है, टाइटल और प्राइस आपको लग रहा है कि ये सही चीज़ है तो फिर आप यहाँ पे उसको इस तरीके से रख सकते हो, और यहाँ पे आप दिस डॉट करके उसको यूज़ कर सकते हो, दिस डॉट टाइटल इक्वल्स टू टाइटल। ठीक है, यहाँ पे दिस का मतलब है जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है वो, ठीक है, और दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब ये जो प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू जो कि आपने क्लास के ज़रिए एक क्लास बना ली थी और क्लास के ज़रिए बनाए हैं, इसके अंदर सेम चीज़ें बनेंगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैं कर रहा हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ओबीजे और ओबीजे टू की जगह पर मेरे पास जाएंगे यहाँ पर प्रोडक्ट वन और प्रोडक्ट टू। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे पता है कि मैंने टाइटल रखा था तो अब हर ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल ही की प्रॉपर्टी होगी, उसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच पी और पी डॉट प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट्स, ठीक तो किया हमने, प्रोडक्ट्स वन के क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कैन नॉट एक्सेस प्रोडक्ट्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो हमने बाद में यूज़ किया है। अच्छा सॉरी, ये इसकी वजह से आ रहा है, इसको मैं कमेंट आउट करना भूल गया। ठीक है, अच्छा सही है भाई, ये सारी चीज़ें हमारे पास वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, अब मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे पास ये जो कीज़ हैं ये आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि अब मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा हूँ और प्रोडक्ट बनाते वक्त सिर्फ जो वैल्यूज़ पास करनी है वो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, और इस क्लास का काम है मुझे ऑब्जेक्ट बना के देना। ठीक है, तो क्लासेस का काम ये होता है। हमने आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है क्लास का, इसको मज़ीद डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, और हमारे जो टाइम है वो हो गया है ओवर। ये मुझे बता दो अब तक का हमारा पार्ट सारा का सारा क्लियर है आपको, ये जो मैंने अभी बताया आपको, और फिर हम क्लास को अपनी वाइंड अप करते हैं। क्विज़ के टॉपिक में, अच्छा फीमेल्स को मैं क्विज़ का टॉपिक अभी मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, आपके ग्रुप में मैं ऑडियो सेंड करके मैं आप लोगों को टॉपिक बता दूंगा क्विज़ के। असाइनमेंट समझा दूं, असाइनमेंट यार बहुत इजी है असाइनमेंट, हम लोगों ने एक्चुअली वो जो मैंने आप लोगों के सामने एक एक एक
वो बनाया था ना, क्या कहते हैं, जो हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी ना, क्या कहते हैं उस, कौन सी बनाई थी, रेसिपी ऐप बनाई थी, तो मैंने उसी से मिलता जुलता आपको असाइनमेंट दिया है। बेस वहाँ पे ये होगा कि बेसिकली आपने, मैंने आपको एक जेसन की फाइल प्रोवाइड की है जिसमें मूवीज़ का सारा डेटा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपने वो सारा का सारा डेटा निकाल लिया, ठीक है, और आप यूज़र से पूछोगे कि बेसिकली उसको कौन से योनरा के अंदर इंटरेस्टेड है। मूवीज़ के अंदर योनरा होते हैं ना, ठीक है, हॉरर होता है और इस तरह से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फैमिली मूवीज़ होती हैं, पता नहीं क्या क्या होती हैं, किड्स होती हैं, और इस तरह की जो भी योनरा है, फिर वो रेटिंग वगैरह जो भी सिलेक्ट करे, आप क्या करोगे, फिर उसी जो भी डेटा उसने सिलेक्ट किया है, उसी डेटा के अंदर जो जो मूवीज़ फॉल कर रही हैं उन्हीं का डेटा आप उसको दिखाओगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारा डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप फिल्टर आउट करोगे, फिल्टर आउट करके आपको वो डॉम के अंदर वो चीज़ लगानी है। तो यही आपका असाइनमेंट है। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, अच्छा क्विज़ मेरे ख्याल से जो मेल्स हैं उन तमाम लोगों का क्विज़ हो चुका है, जो कराची वाले थे, जो कराची से बाहर हैं उन तमाम लोगों को क्विज़ के लिए हम बहुत जल्दी, क्या कहते हैं, हम उनको ऑनलाइन का इनविटेशन भेजेंगे सेटअप करके अपना, और क्या कहते हैं, वो ऑनलाइन क्विज़ दे रहे होंगे हमारे पास। और जो फीमेल्स हैं हमारी कराची की, उनकी संडे को क्विज़ है, और संडे को सुबह 10 बजे है, तो संडे को आप लोगों की क्विज़ है, लाजमी आइएगा। और जो कराची से बाहर की हैं फीमेल्स, वो जो है वो क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं, बाद में हम उनके लिए इस वो जारी करेंगे, जो भी उनका ऑनलाइन का वो होगा उसको, उसके हिसाब से उनको मैनेज किया जाएगा, ठीक है भाई। नहीं, लास्ट असाइनमेंट नहीं है, इस असाइनमेंट के बाद एक और असाइनमेंट होगा आपका, जो कि फाइनल असाइनमेंट होगा उसके अंदर। इस असाइनमेंट में देखो ना, हमने अभी अभी तक हमने जो चीज़ें यूज़ सीखी हैं वो हमने यूज़ की ही नहीं, उसके अंदर क्लासेस वगैरह, जो फाइनल असाइनमेंट होगा ना उसमें ये सारी चीज़ें मैं दूंगा आप लोगों को, ताकि ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है ना अब तक, इन सब की प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को एक बार। अच्छा ठीक है भाई, चलें फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।